नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। इसे कहते हैं टोपी उछालकर तहमत में जा उलझे, यानी कोरोना की वजह से पाकिस्तान ने जो लॉकडाउन किया उससे लोगों के रोजगार को झटका लगा ही था, अब रोजगार की एक और समस्या ने आविकराल रूप ले लिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अधिकांश हिस्से पर टिड्डी का आपातकाल मंडरा रहा है। इन टिड्डियों ने पाकिस्तान की फसलों को चौपट कर दिया है। किसानों का कहना है कि ऐसे हालात उन्होंने कभी नहीं देखे थे। अभी तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर अनाज की कमी का जोखिम मंडराने लगा है, यानी खतरे की घंटी बज गई है। टिड्डी का सबसे ज्यादा असर सिंध में हुआ है, बलूचिस्तान और पंजाब में भी इनका कहर बरप रहा है। यहां पूरी की पूरी फसलें एक बार में ही तबाह हो रही है। कर्ज लेकर की जा रही खेती की वजह से मुल्ला किसान तोबा तोबा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान की गेहूं जैसी फसलों में कम से कम 2 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि पाकिस्तान की जीडीपी में खेती का 20% योगदान होता है। यहाँ की 65% आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। ऐसे में जब पाक की जीडीपी कोरोना की वजह से निगेटिव 0.38 पर चली गई है, उसकी हालत कहीं ज्यादा भयावह होने वाली है। इससे भुखमरी की आशंका भी कई गुना बढ़ गई है। सिंध के राज्य कृषि मंत्री इस्माइल राव के मुताबिक यह टिड्डी दल कम से कम 50 लाख हेक्टर खेती को अपना शिकार बनाएंगे। यह लगभग 5 करोड़ की आबादी में घूम रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इन्हें रोकने के संसाधन नहीं है। इसी साल फरवरी में टिड्डी दल से निपटने के लिए चीन ने पाकिस्तान को 5000 बत्तखें भेजी थी। यह बत्तखें 70 टिड्डी तक खा जाती है। पर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, पाकिस्तान के मुल्ला अधिकारी इनमें से 4600 बत्तखें नमक मिर्च के साथ फैल गई, जबकि पाकिस्तान के कृषि मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में इन्हें मौसम की वजह से मरना बताया गया है। दरअसल मार्च महीने के बाद यहां पर टिड्डी दल का प्रकोप कम हो गया था। ज्यादातर टिड्डी झुंड भारत के पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ कूच कर चुके थे। पाकिस्तानी अधिकारियों को यही लगता था कि टिड्डी पाकिस्तान से जा चुकी है, इसलिए इन बत्तखों की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। मगर सऊदी अरब और ईरान की तरफ से टिड्डी दल एक बार फिर से पाकिस्तान में आफत बनकर टूट रहा है। चीन से मदद मांगी तो बत्तखों का हिसाब देना पड़ सकता है, इसलिए इमरान सरकार ने भारत से मिलकर टिड्डी दल से लड़ने की गुहार लगाई है। इस वक्त भारत के 3 राज्यों में टिड्डियों ने उत्पात मचाया हुआ है, लेकिन भारत इनसे लड़ने में काफी हद तक सक्षम है। भारत कीटनाशक और अन्य संसाधन के बल पर इनसे मुकाबला कर सकता है। टिड्डियों का झुंड अप्रैल में दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान से राजस्थान पहुंचा था, जो अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि किसानों की जागरूकता और सरकारी मशीनरी के एक्टिव होने की वजह से यह टिड्डी भारत में ज्यादा तबाही नहीं मचा पाती है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर विचारों को साझा करे, जिससे दोनों देशों के किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। भारत ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालत यह है कि कोरोना वायरस द्वारा लील गई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब तबाही के कागार पर पहुंच गई है। खासतौर से जिस कृषि से पाकिस्तान सुधार की उम्मीद लगा रहा था, उसे टिड्डी दल ने 60% तक बर्बाद कर डाला है। इसका सबसे ज्यादा असर पाक के अनाज उत्पादन पर पड़ा है, जिसके घटकर 74% रहने का अनुमान है। वैसे भी पाकिस्तान पिछले 4 माह से चीनी और अनाज घोटाले का सामना कर रहा है। जनवरी 2020 के शुरू में ही पाकिस्तान अनाज संकट का सामना कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान को इस बार अनाज का आयात करना पड़ सकता है। यदि ऐसी नौबत आई तो यह इमरान के लिए एक और बड़ी आफत होगी, क्योंकि पहले से ही महंगाई से बिलबिलाती जनता को एक और बड़े महंगाई संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिसे सहन करने की कुव्वत ना इमरान में है और ना जनता इसे झेल पाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।